हेलो एवरीवन आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत हेल्दी होंगे मेरा नाम शिफाली है एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड दशहरा सो हमारा इंशन मैग्नेटिज्म का वर्कशॉप टेंथ ऑफ अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है सो so, ये वर्कशॉप हमारा ऑलमोस्ट टेन टू इलेवन डेज तक चलेगा बीच में एक दो दिन का गैप होगा ड्यू टू करवा चौथ और हम इसे दिवाली से पहले फाइंड अप करेंगे सो इंशियन मैग्नेटिज्म क्या है कैसे ये बाकी हीलिंग मोडालिटी uh, से डिफरेंट है इसमें क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी ये हम डिस्कस करते हैं सो so ये जो वर्कशॉप है ये मास्टर्स लेवल तक का वर्कशॉप है जैसे आपने रेकी सीखा होगा या कोई और हीलिंग मोटालिटी सीखी होगी तो उसमें भी लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ऐसे होता है और उसके बाद एक मास्टर्स लेवल होता है राइट तो एंशियन मैग्नेटिज्म में क्या है एंशियन मैग्नेटिज्म में भी ऐसे ही हमारे लेवल्स होते हैं बेसिक लेवल एडवांस लेवल और ये जो फिर है मास्टर्स uh, लेवल बट इसमें सभी लेवल्स आपको एक साथ कराए जाएंगे जैसे कि बेसिक से लेकर मास्टर्स लेवल तक आपका एक ही वर्कशॉप में पूरा कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें आ, हर लेवल पर आपको मंत्र मिलता है सो so, ये जो ये जाव, हीलिंग मोडालिटी है एंशियन मैग्नेटिज्म ये बेसिकली जापानीज हीलिंग मोडालिटी है इंडोनेशिया की हीलिंग मोडालिटी है और इसमें हम मंत्रों का यूज करते हैं सो so, वहाँ पर जो पहले किंग्स थे वहाँ पर जो पहले किंगडम्स हुए थे वो लोग किस तरह से मंत्रों की पावर को यूज करके अपनी जो प्रजा है उसको इन्फ्लुएंस करते थे उसको अपने पक्ष में रखते थे कैसे अपने जो उनके राइवलरी आर्मीज होते थे उनको डिफीट करते थे तो ये जो पावर्स वो लोग यूज करते थे वहाँ पर इन्फ्लुएंस करने के लिए वॉर में डिफीट करने के लिए अबंडेंस के लिए रिलेशनशिप के लिए वही सब पास uh, ऑन हुआ है और वही एक हीलिंग मोडालिटी में बेसिकली कन्वर्ट होकर हम तक आ रहा है तो यहां पर हमारे पास होंगे और वो जापनीज लैंग्वेज में ही होंगे ठीक है तो ये जापनीज मंत्र है बहुत डिफिकल्ट नहीं है कुछ लर्न करना जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे थ्री फोर लाइन्स के मंत्र होते हैं वो हम आसानी से लर्न कर पाते हैं सो so, क्या क्या रहेगा बात करते हैं तो पहले हमें फाउंडेशन मंत्र मिलता है जिसके मदद से हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना सीखते हैं जैसे रेकी में होता है कि हम रेकी शक्ति का आवाहन करते हैं और फिर रेकी फ्लो होती है इसी तरीके से वहां पर भी एक फाउंडेशन मंत्र है जिस मंत्र से हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं ठीक है फाउंडेशन मंत्रा के बाद फिर आपको मंत्रा लेवल वन मिलता है जो एक ट्रांस स्टेट क्रिएट करने में मदद करता है ठीक है ट्रांस स्टेट क्यों क्रिएट करनी होती है ट्रांस स्टेट इसलिए क्रिएट करनी होती है कि अगर आपको किसी की डीपर लेवल पर हीलिंग करनी है सब कॉन्शियस लेवल पर हीलिंग करनी है तो आप चाहेंगे कि आपके जो क्लाइंट हैं वो ट्रांस स्टेट में जाएं ट्रांस स्टेट में क्या होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है जब हम ट्रांस में होते हैं या कोई और ट्रांस में होता है तो आप उन्हें जो भी सजेशंस देते हैं वो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उनकी बॉडी वैसे ही एक्ट करती है जैसे जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको एक डीपर लेवल फील होता है हम खुद आ, बीटा से अल्फा में स्विच होते हैं अल्फा से थीटा में स्विच होते हैं तो ये सारा एक ट्रांस स्टेट है ऐसे ही हम दूसरों को भी ट्रांस स्टेट में लेकर जाते हैं और उनकी प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं ये मंत्रा उन केसेस में बहुत हेल्प करता है जहाँ पर लोगों की नेगेटिव माइंडसेट होती है कुछ एडिक्शन होता है माइंड रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो जो भी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको उनके सबकॉन्शियस पैटर्न से निकालना है जैसे कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उन सब में आप इस मंत्र को यूज़ करके हील कर सकते हैं सामने वाले को एक ट्रांस स्टेट में ले जाकर फिर सजेशंस दे सकते हैं उसके बाद हमारा मंत्रा लेवल टू आता है जिससे एक बहुत पावरफुल हीलिंग होती है क्योंकि उससे हमारा ट्रांस स्टेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो हमने लेवल वन पे मंत्र से एक ट्रांस स्टेट किया था उससे भी डीपर लेवल पर एक ट्रांस स्टेट हम मंत्रा लेवल टू से क्रिएट करते हैं और जितना डीपर ट्रांसस्टेट होता है उतनी ज़्यादा इंटरनल हीलिंग होती है तो ये बेसिकली सेकंड पे हमारा हीलिंग मंत्रा होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी तरीके की हीलिंग कर सकते हैं चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम की हीलिंग हो माइंड रिलेटेड हीलिंग हो कोई भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हीलिंग हो किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो कैंसर से जुखाम से लेकर कैंसर तक की बीमारी वो सब हम इससे हील कर सकते हैं और इस मंत्रा में इतनी कैपेबिलिटी है ओके और एक डीपर लेवल का ट्रांस स्टेट क्रिएट करके हम और ज्यादा डीप लेवल पर किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फॉर पॉजिटिव इफेक्ट ओके सो ये हमारा मंत्र लेवल टू है मंत्र लेवल टू से हम रिलेशनशिप हीलिंग भी करते हैं फिर उसके बाद मंत्र लेवल थ्री होता है जिसको हम अबंडेंस मंत्रा बोलते हैं इससे हम हर डायरेक्शन से अबंडेंस के एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जिनके भी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अबंडेंस की एनर्जी वो नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है या उनके कार्मिक अकाउंट ऐसे हैं जिसके वजह से अबंडेंस उनसे दूर है वो लोग इस एनर्जी को जब यूज़ करते हैं तो अपने लाइफ में वो अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं सो so, इसमें थोड़ा सा हम डोनेशन भी सीखते हैं कि कैसे डोनेशन करने से हम उस अबंडेंस के एनर्जी को और ज़्यादा अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं सो मंत्र लेवल थ्री इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अबंडेंस, ठीक है और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हर तरीके की अबंडेंस हम मंत्र लेवल थ्री से क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद हमारा लास्ट मंत्र आता है दैट इज मंत्र फोर एंड दिस इज द मास्टर मंत्र ठीक है इसको मास्टरशिप आ, का मंत्रा बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है जो भी हमने पीछे मंत्र सीखे हैं वन टू थ्री उन सब की पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है कि उन सब की पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है और बहुत डीपर लेवल पर ट्रांस स्टेट क्रिएट करने में हेल्प करता है तो हमने जो भी किया उसको एक परफेक्ट हीलिंग uh, करना उसमें परफेक्ट रिजल्ट देना ये हमारा परफेक्शन मंत्र करता है सो दिस इज ऑल अबाउट परफेक्शन क्योंकि ये मास्टर मंत्रा है जैसे कि मास्टर सिंबल क्या करता है वो सारे काम करता है और सर सब चीज में परफेक्शन आती है right? राइट इसी तरीके से ये जो मास्टर मंत्र है ये हर चीज में परफेक्शन लेकर आता है और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसस्टेट क्रिएट होता है बहुत स्ट्रोंग हीलिंग होती है और आप किसी भी तरीके की मैग्नेटिक एनर्जी अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हैं सो so ये हमारे फोर मंत्रास थे इसके साथ साथ आपको एक बोनस मंत्र मिलेगा दैट इज फॉर फाइटिंग द नेगेटिव एनर्जीज किसी भी तरीके की किसी भी लेवल की नेगेटिव एनर्जीज हो, आप उस मंत्रा से उस नेगेटिव एनर्जी को चाहे वो आपकी खुद की इंटरनल नेगेटिविटी हो चाहे एक्सटर्नल नेगेटिविटी जैसे कि ईव लाए या ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल इस तरीके की कोई एक्सटर्नल नेगेटिविटी हो उससे आप फाइट कर सकते हैं तो ये सब मंत्राज आप सीखेंगे उसके साथ साथ आप ये सीखेंगे कि कैसे हम ट्रांस स्टेट क्रिएट करते हैं कैसे हम दूसरों को एक ट्रांस स्टेट में लेकर जाते हैं कैसे मुद्रा मुद्रा का यूज करते हैं कैसे मंत्र का यूज़ करते हैं कैसे हम दूसरों की हीलिंग करते हैं अगर आपको ग्रुप में हीलिंग करनी है तो कैसे आप ग्रुप में हीलिंग करते हैं और इसके साथ साथ आपको एक और बोनस मिलता है जिसमें आप ट्रायंगल सिंबल का इनिशिएशन लेते हैं ट्रायंगल सिंबल को यूज करना सीखते हैं और ये बहुत ही पावरफुल ट्रायंगल सिंबल होता है जिससे बहुत पावरफुल हीलिंग एंड प्रोटेक्शन होता है इसके साथ साथ आप अपना प्रोटेक्शन फैमिली का प्रोटेक्शन अपने स्टूडेंट्स अपने क्लाइंट्स का प्रोटेक्शन शील्ड बनाना उनकी क्लेंजिंग करना ग्राउंडिंग करना ये सब आप इस लेवल पे सीखते हैं सो so ये एंशियन मैग्नेटिज्म की जो वर्कशॉप है पूरी बेसिक लेवल से मास्टर्स लेवल तक ये पूरा उसमें कवर होगा सो so अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो वीडियो में लिंक दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है उस पर जरूर व्हाट्सएप करें थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस इज ऑल थैंक यू